और आज से शारदीय नवरात्र की हुई शुरुआत। कहां बनाया गया बुर्ज खलीफा टावर जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, और दिल्ली में कितने करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई। राज्य की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। भक्त पहले ही दिन माता शैलपुत्री की आराधना कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए कोविड गाइडलाइंस के साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। उधर जम्मू कश्मीर के कटरा में भी श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को रोशनी से जगमगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता सहित पूरे राज्य में दुर्गा पूजा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कोलकाता के लेक टाउन में दुबई के मशहूर बुर्ज खलीफा की तर्ज पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है। पंडाल 145 फीट लंबा है। इसे बनाने के लिए 250 कार्यकर्ता पिछले दो महीने से लगे थे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आज कानून व्यवस्था के साथ साथ दशाश्वमेध घाट पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले बुधवार को सीएम योगी ने वाराणसी के काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली में आज से प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत हो गई है। इसके तहत कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण संबंधी नियमों को लागू करना जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइडलाइंस के मुताबिक 10,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आज से 29 अक्टूबर तक एंटी डस्ट अभियान चलाने का फैसला किया है। कर्नाटक के बेलगावी के बड़ाला अंकलगी गांव में बुधवार रात करीब 9 बजे भारी बारिश की वजह से एक मकान धंस गया। मकान गिरने से हुए हादसे में दो बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मृतकों के परिवार के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। दिल्ली के द्वारिका इलाके में एंटी नारकोटिक सेल ने 1 किलो 300 ग्राम हीरोइन और 5 किलो केमिकल पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नारकोटिक सेल ने हीरोइन को सीज कर लिया है। मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी नाइजीरिया के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पल्लापुरम इलाके के एक होटल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और लोकल पुलिस ने साथ मिलकर छापा मारा। छापेमारी के दौरान 26 युवक युवतियों को पकड़ा गया, जबकि होटल में एंट्री सिर्फ 2 लोगों को ही मिली। पुलिस को होटल में सेक्स रैकेट चलने का शक था, इसलिए पुलिस पकड़े गए सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अपने नए ट्रांसफर आदेश में SHO के रूप में 8 महिला अधिकारियों सहित 44 अधिकारियों को पहली बार इस पद पर तैनात किया है। दिल्ली पुलिस के PRO के मुताबिक नए आदेश में 55 SHO के नाम शामिल हैं, और इसके साथ ही शहर को एक महीने में 9 महिला थाना प्रभारी मिल गई हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नरेश नाम का दिव्यांग शख्स एक पैर से साइकिल चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। नरेश रोज 40 किलोमीटर साइकिल चलाकर हार्डवेयर फैक्ट्री में काम करने जाते हैं। उनका एक पैर 2010 में एक रेल दुर्घटना में हादसे का शिकार हो गया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।